हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज जो है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा लेंथी है मतलब लंबा क्वेश्चन है देखेंगे इसको कैसे करना है एन सी मैथ में देखेंगे एक बार स्टेटमेंट द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ ट्वेंटी उसने क्या कहा है जो फोर्थ टर्म है किसी ए की और आठवीं टर्म है दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो उनका सम क्या है ट्वेंटी है बेटा एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म और छठी टर्म और दसवीं टर्म सिक्स और टेंथ टर्म को ऐड कर दिया जाए तो उनका सम क्या है फोर्टी फोर है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द ए पी तो हमने क्या करना है ए पी की फर्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए किसी भी एपी को बनाने के लिए चाहिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए एक तो ए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए उससे हम ए पी फॉर्म कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा यहाँ पे कौन कौन सी टर्म की बात कर रहा है वो फॉर्मूला लिख लेंगे पहले क्या होता है फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सबसे पहले क्या करेंगे जिस जिस टर्म की बात कर रहा है वो देख लेते हैं बेटा फोर्थ टर्म की बात कर रहा है वो तो क्या करेंगे फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म मतलब एन की वैल्यू फोर ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी तो क्या आ गया यहाँ पे ए फोर ए प्लस थ्री डी इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बेटा फोर्थ के बाद किसकी बात कर रहा है वो एट्थ टर्म की तो एट्थ टर्म देख लेते क्या आएगी ए एट इज इक्वल टू ए प्लस एट माइनस वन इंटू डी तो क्या आ गया ए प्लस सेवन डी इक्वेशन नंबर सेकंड ये दोनों आ गई अब क्या कहा है इन दोनों का सम जो कहा है उसने वो कितना कहा है ट्वेंटी फोर तो इन दोनों को सम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू यहीं पे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म क्या हो जाएगा बेटा ए प्लस थ्री डी और प्लस में ए प्लस सेवन डी इजिक्वल टू लिख लेंगे यहां पे ए फोर प्लस ए एट इज इक्वल टू किसके कहा है? उसने ट्वेंटी फोर के तो ए और ये क्या हो गया बेटा टू ए प्लस थ्री डी और सेवन डी क्या हो गया टेन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर डिविजिबल बाई टू है तो यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं डिवाइड बाई टू तो ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा ट्वेल्व इक्वेशन नंबर थर्ड ये क्लियर होगा आपको नेक्स्ट देखते किसकी बात कर रहा है वो सिक्स टर्म और टेंथ टर्म की तो सिक्स टर्म निकाल लेते हैं सिक्स टर्म ए सिक्स किसके बेटा ए प्लस सिक्स माइनस वन इन टू डी तो क्या आ गया ए प्लस फाइव डी इक्वेशन नंबर मान ली फोर नेक्स्ट क्या करना है हमने सिक्स के बाद कौन सी टर्म की बात कर रहा है वो टेंथ टर्म तो टेंथ टर्म क्या हो जाएगी हमारी ए टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस टेन माइनस वन इन टू डी तो क्या आ गया ए प्लस नाइन डी इक्वेशन नंबर फाइव अब इन दोनों का सम क्या रखा है उसने सम ए सिक्स प्लस ए टेन ए सिक्स क्या है हमारा ए प्लस फाइव डी प्लस ए प्लस नाइन डी इज इक्वल टू किसके कह रखा है बेटा फोर्टी फोर के कोई डाउट ए प्लस ए क्या होगा टू ए प्लस नाइन और फाइव क्या होगा फोर्टीन डी इज इक्वल टू फोर्टी फोर डिवाइड बाई क्या कर लेंगे टू टू से डिवाइड किया तो क्या आ गया ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू इक्वेशन नंबर सिक्स अब इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सिक्स से हम इजली ए और डी फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स थर्ड क्या है हमारी ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू ट्वेल्व और सिक्स टर्म क्या है ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू दोनों कोफिशेंट इक्वल है पॉजिटिव हैं तो इनको क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कैंसल आउट माइनस सेवन डी में से फाइव डी गया तो माइनस का टू डी

तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया ट्वेल्व माइनस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस ए इज इक्वल टू आ गया माइनस का थर्टीन तो ए आ गया माइनस का थर्टीन और कॉमन डिफरेंस आ गया क्या आ गया फाइव अब ये दोनों वैल्यू पता हो तो क्या कर सकते हैं हम कोई भी एपी फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी ए सेकेंड टर्म क्या होगी ए प्लस डी थर्ड टर्म क्या होगी ए प्लस टू डी तीन ही टर्म फाइंड आउट करनी है ए क्या है फर्स्ट टर्म माइनस थर्टीन आ गई सेकेंड टर्म माइनस थर्टीन प्लस फाइव क्या आ गया माइनस का एट थर्ड टर्म क्या आ जाएगी माइनस का थर्टीन प्लस टू इंटू फाइव फाइव टू जब टेन टेन में से थर्टीन गया तो माइनस का थ्री तो एपी जो आ गई वो क्या आगे माइनस थर्टीन माइनस एट और माइनस थ्री दिस इज द एपी आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बहुत ही क्वेश्चन था बट हमने जो भी टर्म्स दिए पहले वो फाइंड आउट करनी है फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है जो भी उसने दे रखा है Thank you students for watching this video.